ये सूत्र का नाम है देवदह सूत्र। क्या नाम है? देवदह। भगवान बुद्ध उस समय थे साक्य जनपद। साक्य जनपद मत साक्य जनपद में देवदह नाम का साक्य का एक गांव था, छोटा गांव। उसी छोटा गांव का नाम देवदह। साक्य जनपद मतलब साक्य लोग जिस राज्य में रहता है उसी राज्य को कहता है साक्य जनपद। साक्य जन लोग रहता है। उस दिन भगवान बुद्ध बांते लोगों को निमंत्रण किया, बांते लोग को बताया भिक्षुओं कोई कोई श्रमण लोक रहता है ऐसा दृष्टि वाले, ऐसा विचार वाले कोई कोई श्रमण ब्राह्मण लोक हैं। कैसा है? ये लोगों को सुख या दुख या बिना सुख दुख का कुछ भी दर्द आ गया तो, वेदना मिलेगा तो, वो सब कुछ पिछला किया हुआ कर्म के अनुसार मिल जाता है। क्या क्या बोलते हैं उनको? कुछ भी आदमी लोगों को सुख या दुख या उपेक्षा कोई भी वेदना मिलेगा तो वो सारे वेदना पिछला किया हुआ कर्म के अनुसार मिलता है। इसी प्रकार से कठिन तपस्या करने के कारण वो सब कुछ खत्म करके नया कर्म नहीं करने के कारण खत्म हो जाता है। बाद में कर्म तैयार नहीं होने के कारण कर्म भी खत्म हो जाता है। कर्म खत्म होने के कारण दुख खत्म हो जाता है। दुख खत्म होने के कारण वेदना खत्म हो जाता है। वेदना खत्म होने के कारण सारे दुख नष्ट हो जाता है। भिक्षु निगंट लोग ये सब बात बोलते रहता है। के सब बात जो कुछ सुख दुख उपेक्षा मिलता है वो सब कुछ पिछले किया हुआ कर्म के आधार से होता है। और ये कैसे कर सकता है? कठिन दुख तपस्या करके वो कर्म को, जो किया हुआ पाप कर्म को नष्ट करना है। इसीलिए उन लोग कपड़ा नहीं पहनना है, ऐसे कई प्रकार की तपस्या करता है ना, नया कर्म नहीं करता है। नया कर्म नहीं करने के कारण पुराना कर्म भी खत्म होने के कारण फिर और नया कर्म बन जाता है? नहीं बनता है। उन लोग बोलता है नहीं बनता है। नया कर्म नहीं बनने के कारण दुख खत्म हो जाता है। दुख खत्म होने के कारण वेदना खत्म हो जाती है। वेदना खत्म होने के कारण सारे दुख खत्म हो जाता है। ऐसा मत वाले हिंदी ऐसा मत वाले मतलब विचार रखने वाले निगंट लोगों के पास मैं जाता हूँ। भगवान बताते मैं जाता हूँ, जा करके उन लोग को बताता हूँ निगंट आप लोग ऐसा बोलता है, ऐसा विचार लेके रहता है, ऐसा दृष्टि लेके रहता है वो सही है। इसका मतलब ये जो आदमी लोग सुख या दुख या उपेक्षा कोई भी वेदना जो सहन करता है वो सब कुछ पिछले किया हुआ कर्म के अनुसार होता है। वो तपस्या करके कठिन तपस्या करके नाश कर सकता है। नाश करने के कारण फिर नया कर्म नहीं करने से वो कर्म भी खत्म होता है, नया कर्म भी नहीं करने से वो भी खत्म होता है, और कर्म खत्म होने से दुख खत्म, दुख खत्म होने से वेदना खत्म होते, वेदना खत्म होने सारे दुख नष्ट होता है। ये सही है कि आप लोग ऐसे बताते हैं। इसीलिए निगंट लोग
पेकाना खाते हैं, और कभी कभी खाट उन लोग क्या करते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, जाते समय पूरा क्या मोर का पंख लेकर के झाड़ू मार मार के जा रहा है, ऐसा करते रहते हैं। गर्म ठंडा पानी नहीं पीता है, और ऐसा बहुत दुख तपस्या उन लोग करते रहता है। ये सुनने के बाद एक निगंट ने बताया, हाँ सही है, वो सत्य है, मैं वादा करता हूँ सत्य है। तो पूछ लिया भगवान बुद्ध, ठीक है निगंट, तुम लोग जानते हो, सचमुच में जानते हो, हम लोग इससे पहले थे पिछले जन्म जन्म में, या इससे पहले नहीं थे, तुम लोग जानते हो? उन लोग बताया, हम लोग तो नहीं जानते हैं। क्या आप लोग सचमुच में जानते हैं पिछले हम लोग पाप पाप किए हैं या पाप नहीं किए हैं, ये बात भी आप लोग जानते हैं? मतलब वो भी हम लोग नहीं जानते हैं। इसे भगवान बुद्ध पूछ रहे थे, ठीक है आप लोग ये जानते हैं, इसी इसी प्रकार का पाप हम लोग पिछले जन्म में किए थे? बताया, वो भी हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं? आप लोग का ये जो तपस्या का कार्य है, क्या करने का, कर्म खत्म करने का, इसी कार्य से आप लोग जानते हैं अब इतना दुख खत्म हो गया है और इतना दुख बाकी है खत्म करने के लिए, इतना दुख और खत्म करने का सारे दुख खत्म हो जाएगा, ये जानता है? बताया, नहीं वो भी हम लोग नहीं जानते हैं। तो ठीक है, ये जानते हैं क्या, इसी जन्म में अकुशल धर्म नष्ट करके, अकुशल धर्म मालूम है ना, अकुशल मतलब लोभ द्वेष मोह सारे पाप जो है ना, अकुशल धर्म नष्ट करके प्रहान करके कुशल धर्म उत्पादन करके रहने के बारे में, क्या इसी जन्म में अकुशल धर्म सारे अकुशल खत्म करके सारे कुशल को बढ़ा के रहने के बारे में जानता है? बताया, हम लोग बताए, नहीं हम लोग को नहीं जानते हैं। तो निगंट, आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, हम लोग पहले थे या हम लोग पहले नहीं थे, ये भी नहीं जानता है। हम लोग पहले पाप किए थे, हम लोग पहले पाप नहीं किए थे, ये भी आप लोग नहीं जानते हैं। हम लोग इसी प्रकार से पाप हम लोग किए थे, ये भी आप लोग नहीं जानते हैं। अभी हम लोग अभी इतना दुख खत्म हो गया, अभी उतना दुख बाकी है, इतना दुख और खत्म करने के कारण सारे दुख खत्म हो जाएगा, कर्म खत्म हो जाएगा, ये भी आप लोग जानते नहीं है। इसी जन्म में कुशल धर्म लेकर के अकुशल नष्ट करके जीवन बिताने के बारे में भी जानता नहीं है। ऐसा होने के कारण निगंट, आप लोगों का ये बात मिलता नहीं है। इसका मतलब आप लोग बोलते हैं ये जो आदमी सुख या दुख या उपेक्षा कोई भी वेदना होता है, वो सारी वेदना पहले किया हुआ कर्म के अनुसार ही होता है, और पिछले किया हुआ कर्म के अनुसार होता है, इसी प्रकार से कठिन दुख तपस्या करके वो पुराना कर्म को नष्ट कर सकता है, नया कर्म नहीं करने के कारण वो कर्म खत्म हो जाते रहता है, और नया कर्म बनता भी नहीं है, नया कर्म नहीं बनने के कारण दुख नहीं होता है, दुख नहीं होने के कारण वेदना खत्म हो जाता है, वेदना खत्म होने के कारण दुख नष्ट हो जाता है,
सारे दुख नष्ट होता है। ये बात आप लोग साथ मिलता नहीं है, मतलब जो भगवान बुद्ध जो क्वेश्चन प्रश्न पूछा ना, उसी प्रश्न के लिए जो जवाब दे दिया, उसी जवाब और उन लोग का बात साथ मिलता है क्या? नहीं मिलता। उन लोग बोलता है एकदम पक्का जानता जैसा, कुछ नहीं जानता है। तो निगंट आप इसी के बारे में जानेगा, तो हम लोग पहले थे या हम लोग पहले नहीं थे इस कारण के बारे में जानेगा, तो या हम लोग पहला ऐसा पाप कर्म किए थे, ऐसा पाप कर्म नहीं किए थे, ये जानेगा। तो हम इसी प्रकार से पाप कर्म किए थे ये भी जानेगा। तो अभी इतना दुख खत्म हो चुके हैं और इतना दुख बाकी है, और इतना दुख खत्म होने के कारण सारे दुख खत्म हो जाएगा, ये भी जानेगा। तो इसी जन्म में भी अकुशल नष्ट करके कुशल लेकर के रहने के बारे में भी जानेगा। तो आप लोग का बात के साथ वो बात मिल जाता है। अगर ये सब कुछ आप लोग जानेगा तब आप लोग को जो बोलता है आप लोग का बात, वो बात के साथ ये बात मिलते रहता है। क्या बात? ये आदमी लोग जो सुख दुख उपेक्षा कुछ भी सहन करता है, वो सब कुछ पिछले किया हुआ कर्म के आधार पे होता है। तो कठिन दुख तपस्या करके कर्म नष्ट कर सकता है। कर्म नष्ट करने के कारण दुख, कर्म नष्ट करने के कारण और पहले नया कर्म नहीं बनता है, नया कर्म नहीं बनने के कारण दुख खत्म होता है, दुख खत्म होने के कारण वेदना खत्म होता है, वेदना खत्म होने के कारण सारे दुख संपूर्ण रूप से नष्ट होता है। ये बात सच सत्य होता है। अगर आप लोग ये बात जो हम बताए उसी प्रकार से बताएगा तो कैसे बताएगा? तो बताइए आप लोग, अभी हम बताएं हम लोग पहले थे या हम लोग पहले नहीं थे, ये आप लोग जानेगा तो। और हम लोग ऐसा पाप कर्म किए थे या नहीं किए थे, इसी प्रकार का, इसी प्रकार का मतलब हम लोग हाथ से इसी प्रकार का पाप हुआ है, इसी प्रकार का पाप हुआ है, इसी प्रकार का पाप हुआ है, वो सब जानेगा तो। और अभी हम लोग का पाप का कर्म इतना खत्म हो चुका और इतना बाकी है, और बाकी इतना है वो भी खत्म कर दिया, तो सारे खत्म, ये भी जानेगा। तो इसी जन्म में कुशल उत्पादन करके अकुशल नष्ट करके रहने के बारे में भी जानेगा तो आप लोग का बात मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। समझ आ गया आप लोग को? यही जैन धर्म का मेन बात यही है। उसके लिए भगवान बुद्ध एक उदाहरण बताया है, उन लोग का जो बात बोलता है वही बात भगवान बुद्ध क्वेश्चन पूछने पर उन लोग जवाब देता है, उसी जवाब पर मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता है। यही निगंट लोगों का मेन बात यही है, जैन धर्म का मेन बात यही है। लोग कहता है भगवान बुद्ध धर्म जैन धर्म समान है, बोलता है ना, लोग कहता है जैन महावीर भगवान बुद्ध सेम है, कितना फर्क है ना, आसमान और धरती, आसमान धरती से भी ज्यादा। एक उदाहरण बताए, ऐसी बात है, अच्छी तरह से जो जहर लगा हुआ एक तीर से मार खाया एक आदमी है, आदमी जहरीला तीर से मार खाया, जहरीला तीर शरीर में लग गया, वो बहुत दुख में फंस गया, बहुत कष्ट में फंस गया, क्योंकि बहुत दुख के बहुत दर्द है। उसका परिवार के लोग उसको ले जा रहा है कोई शल्य डॉक्टर, शल्य डॉक्टर मतलब ऑपरेशन करने वाले, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद वो डॉक्टर क्या करता है, औजार लेकर के वो घाव काट देता है, काटने का बहुत दुख मिलता है।
इसके बाद वो मुंह है ना, छेद हो गया, वो छेद भी काट देता है। काटने के कारण बहुत दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। इसके बाद वो वाइद्य जी तीर का जो लगा हुआ जो थोड़ा अंदर लगा हुआ है वो खोज रहा है अंदर करके, ऐसे मांस इधर उधर करके खोजने से भी दर्द मिलता है। इसके बाद वो तीर का सिर उखाड़ के हटा देता है, हटाने समय में भी बहुत 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 गहरी दर्द दुख वेदना मिलता है। इसके बाद दवा उसी घाव में डाल देता है, घाव में डालते समय में भी बहुत दुख दर्द मिलता है। तो कुछ समय बाद वो आदमी सुख हो जाता है, सुखी हो जाता है, ठीक हो जाता है, मांस भर जाता है, चमड़ी आ जाता है, निरोगी हो जाता है, अपना मर्जी से इधर उधर जा सकता है। तो आदमी सोच रहा है हम एक जहरीला तीर से मार काया, मार काटने का मेरे दोस्त ज्ञाती लोग हमको लेके गया डॉक्टर के पास, लेकिन वो डॉक्टर काटते समय में वो घाव काटते समय हमको बहुत दुख आया, इसका तो मुंह काटते समय बहुत दुख आया। तो डॉक्टर खोज रहा था तीर का जो अंदर लगा हुआ जगह, तीर टूट गया अंदर हिस्सा खोजने लगा, खोजते समय बहुत दुख मिला, फिर हिस्सा निकालते समय बहुत दुख मिला, फिर इसके बाद उसमें दवा डाल दिया, डालते समय बहुत दुख मिला, लेकिन बाद में ठीक हो गया, अपन मर्जी से इधर उधर जा सकते, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा है। वैसे ही है, अगर आप लोग जानता है तो हम लोग पहले थे या हम लोग पहले नहीं थे, वो भी हम लोग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम लोग पहले ऐसा ऐसा पाप कर्म किए थे या नहीं किए थे, इसी प्रकार से पाप कर्म किए थे या नहीं किए थे, ये भी जानेगा। तो इसी प्रकार से नहीं, पहले हम लोग इसी प्रकार हम लोग पाप कर्म किए थे या हम लोग पाप कर्म नहीं किए वो भी जानेगा तो, और इसी प्रकार से पाप कर्म किए थे वो भी जानेगा तो, हम लोग इतना हम लोग का भी पाप दुख नष्ट हो गया और इतना बाकी है, और इतना सहन करने से वो बाकी भी खत्म हो जाए, वो भी आप लोग अच्छी तरह से जानेगा तो। इसी जन्म में कुशल बढ़ा के अकुशल नष्ट करके रहने के बारे में भी जानेगा तो आप लोग का बात मिलता है। कैसा मिलता है? ये जो कोई आदमी सुख या दुख या सुख दुख रहित उपेक्षा कोई भी वेदना जो सहनता है, वो सारे वेदना पिछले किया हुआ कर्म के अनुसार मिलता है, वो बात का तो पहले बात मिलता है अगर जाने का तब सब कुछ। और इसी प्रकार से पुराना कर्म तपस्या करने कारण ना हटा सकता है, और नया कर्म नहीं बन जाता है, और भविष्य में सहनने के लिए कर्म नहीं है, कर्म नहीं होने के कारण दुख नहीं होता है, दुख नहीं होने के कारण वेदना खत्म हो जाती है, वेदना खत्म होने के कारण सारे दुख नष्ट हो जाता है। ये बात अगर आप लोग वो पहले बात जो मैंने बताया उसी प्रकार से आप लोग जानेगा तो आप लोग का बात साथ वो बात मिल जाता है, लेकिन आप लोग ये कुछ भी नहीं जानता है। क्या नहीं जानता? पहले थे या नहीं थे, हम लोग पहले पाप किए या नहीं पाप किए, हम लोग इसी से प्रकार के पाप किए, या हम लोग का पाप इतना खत्म हो चुका और इतना बाकी है और इतना करने बाकी है और इतना खत्म होना चाहिए, ऐसा आप लोग कुछ जानता नहीं है, इसीलिए आप लोग का बात मिलता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है। ऐसे बोलने के बाद निगंठ लोग मुझे ऐसे बताया, हाँ हाँ आयुष्मान भगवान बुद्ध को बता रहे हैं उन लोग, आयुष्मान हाँ आयुष्मान निगंठ नाथ पुत्र महावीर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है,
घूमते समय, ठहरते समय, सोते समय, जागे हुए रहते समय, हर समय, हर घंटी में पूरा फैला हुआ ज्ञान दर्शन है, ज्ञान है, सब कुछ जानता है हर समय में। ऐसा उन लोग प्रतिज्ञा देते हैं, मतलब वादा करते हैं, ऐसा महा निगंठनाथ पुत्र को ऐसा गहरी, हाँ हाँ आप ऐसे मत कहे, निगंठनाथ पुत्र को ऐसा गहरी ज्ञान है, आप क्या जानता है। इसके बाद उन लोग कैसे बताया, ऐसे बता दिया, यह भगवान बुद्ध तो बताया आसमान निगंठ, तुम लोग पहले किया हुआ पाप कर्म है, और वो सब इतना गहरी कठिन दुख तपस्या करने से खत्म करके डाल दो, और शरीर से शांत होके, वाणी से शांत होके, मन से शांत होके फिर द्वारा पाप कर्म नहीं करेगा तो ये पुराना पाप कर्म तपस्या करने के कारण नष्ट हो जाता है, नया कर्म नहीं होता है, फिर बाद में कर्म नहीं बन जाता है, कर्म नहीं बनने के कारण कर्म नष्ट होता है, नष्ट होने के कारण दुख नष्ट होता है, दुख नष्ट होने के कारण सारे दुख नष्ट हो जाता है। तो वो बात हम लोग को पसंद है, हाँ भगवान उतने महावीर बताया, वो बात हम लोग को पसंद है, हम लोग इच्छा है, हम लोग उसमें खुश हो गया, उसी बात से हम लोग खुश है। क्या बात से, क्या उन लोग बताया निगंठ महावीर, निगंठ नाथ पुत्र बहुत सारे राज्य है, आते समय, जाते समय, ठहरते समय, सोते समय, जागे रहते समय, हर समय पूरा सार्वज्ञता ज्ञान हर जगह फैला कर रहता है, सब कुछ जानते आगे पीछे के बारे में। तो उन लोग हम लोग बताते हैं निगंठ, तुम लोग पहले जो किया हुआ पाप कर्म है वो सब कठिन दुख तपस्या करके हटा दो, शरीर से, वचन से, वाणी से शांत हो के पाप कर्म नहीं करो, पुराना पाप कर्म नहीं करने का, नया पाप कर्म नहीं बनता है, नया मत बाद में नहीं, में नया पाप कर्म नहीं बनने के कारण कर्म खत्म हो जाता है, कर्म खत्म होने के कारण दुख खत्म होता है, दुख खत्म होने के कारण वेदना खत्म, वेदना खत्म होने के कारण सारे दुख नष्ट हो जाता है। ऐसा करो तुम लोग, ऐसा हम हमारा गुरुजी हम लोग को बताया निगंठनाथ पुत्र, बताया भिक्षु मुझे ऐसा बताया उन निगंठ लोग, हम उन लोग को ये बात बताया। तो आसमान निगंठ, इसी जन्म में दो प्रकार से फल मिलने वाला पांच कारण है, इसी जन्म में दो प्रकार से फल मिलने वाला पाप कर्म कितना है, पांच है, कौन सा पांच है, पहला श्रद्धा, दूसरा रुचि, तीसरा अनुश्रव, चौथा आकार परवितर्क, पांचवा दिट्ठि निध्यान अखांति। पहला क्या है, श्रद्धा, इसके बाद रुचि, इसके बाद अनुश्रव, आकार परवितर्क, इसका दिट्ठि निज्ञान अखांति। आसमान निगंठ, ये पांच कारण इसी जन्म में दो प्रकार से मिल जाता है, इसके बाद भगवान बुद्ध ने पूछा उन लोग से, ठीक है आसमान निगंठ, तुम लोग अतीत के बारे में जो बताता है तुम लोग का गुरुजी, उसी गुरुजी के बारे में जो तुम लोग का दिल में जो है श्रद्धा, वो क्या है, रुचि क्या है, अनुश्रव क्या है, आकार परितर्क क्या है, दिट्टी ने जाना क्रांति क्या है, गुरुजी के ऊपर गहरी है ना थोड़ा। इसके बाद ऐसा पूछने के बाद निगंठ लोग
से उत्तर नहीं मिला, चुप हो गया सभी लोग। इसके बाद हम और एक बात उन लोग बताया, निगंट इसके बारे में क्या क्या सोचता है, आप गहरी उपाय हो सकता है, गहरी वीर हो सकता है, उसी समय में ही वो सारे वीर और उपक्रम आप बर्दाश्त करता है, या ये सारे वीर उपक्रम आप बर्दाश्त नहीं करता है। इसके बाद उन लोग बताया, आयुष्मान गौतम, हम लोग कोई भी समय में हम लोग के पास बलवंत वीर हैं, तो उसी समय उपाय से जो बनाया हुआ गहरी दुख वेदना हम लोग सहन करते हैं। अगर जिस समय हम लोग के पास वीर नहीं है उस समय हम लोग दुख वेदना सहन नहीं करते हैं। बहुत गहरी वो इस वीर के बारे में लेकर के आप लोग को जो जवाब के अनुसार जो हम पूछते हैं वो बात आप लोग को वो मुख्य बात के साथ मिलता नहीं है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने पूछ दिया निगंट इसके बारे में क्या सोचता है, इसी जन्म में जो सहन करने वाले जो कुछ कर्म है वो सब कुछ उपाय से या वीर से अगले जन्म में वो सब कुछ मिल जाए ऐसा ले सकता है क्या, जो इसी जन्म में मिलने वाले पाप कर्म प्रार्थना करके कर ले सकता है कि अगले जन्म में सब मिल जाए, वो नहीं कर सकता है। अगले जन्म में मिलने वाले जो कोई सहन करने वाले कुछ भी चीज है इसी जन्म में मिल जाए वो सब ले सकता है प्रार्थना करने पर, नहीं उन लोग बताए नहीं। तो निगंट आप लोग क्या सोचते हैं, सुख मिलने वाले जो कुछ कर्म है वो सारे मेहनत करके उपाय से तपस्या करके वो सुख मिलने वाले कर्म दुख मिलने वाले कर्म बना सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, सुख मिलने वाला कर्म पे कन्वर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो दुख मिलने वाले जो कोई कर्म है कोई उपाय से वीर से सुख मिलने वाले कर्म को कन्वर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचता है, पकने के कारण मतलब जो अभी कर्म तैयार हो गया अभी सहन ना है मतलब पक गया कर्म, वैसा कर्म जो कोई कर्म है सारे कर्म पकने के बाद मिलता है ना, मतलब अभी कर्म किया हुआ क्या वो सामने नहीं बैठना है, और जो पकने वाले का पकने का कर्म मतलब अभी कर्म का फल तैयार है मिलने के लिए, वैसा कर्म बिना पके हुए मतलब अभी मिलने के लिए तैयार भी नहीं, हाँ ऐसा होते हुए अभी वैसा कर्म तुरंत मिलने के लिए तैयार करवा सकता है क्या, नहीं करवा सकता है। और जो बिना पके हुए कर्म
बहुत समय है, नहीं जो पका हुआ कर्म जो अभी मिलना है वही कर्म प्रार्थना करके वीर करके बाद में मिले, ऐसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। और वेदना है, वेदना मिलने वाला जो कोई कर्म है वो सारे वेदना के कर्म थोड़ा वेदना मिल जाए ऐसा प्रार्थना कर सकता है? नहीं, जो थोड़ा वेदना वाले कर्म है वो सारे थोड़ा वेदना वाले कर्म बहुत वेदना वाले कर्म बन जाए प्रार्थना से होता है? नहीं। तो आप लोग क्या सोचते हैं? जो कोई दर्द वेदना मिलने वाले कर्म वेदना नहीं मिलने वाले कर्म बना सकता है? नहीं। वेदना नहीं मिलने वाला कर्म को वेदना मिलने वाला कर्म को बना सकता है? नहीं। तो निगंट तो ऐसे हैं, तो ऐसे बताते हैं इसी जन्म जो कोई कर्म है। आप लोग ये जो बात बताता है वो बात आप लोग का मुख्य बात के साथ मिलता नहीं है। आप लोग जो जवाब देते हैं उसी जवाब जो आप लोग का मुख्य बात के साथ मेन बात के साथ नहीं मिलता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बांते लोग बताए पूर्णम भिक्षु ये प्राणी लोग सुख या दुख या कुछ भी कर्म पहले किया हुआ कर्म से होगा तो अगर पहले किया हुआ कर्म से सुख दुख सब कुछ मिलेगा तो पक्का ये निगंट लोग बहुत पाप किया है पहले, इसीलिए उन लोग बहुत गहरी दुख कष्ट सहन करते हैं। अगर ये दस प्रकार से निगंट लोग को डांट सकता है, दस प्रकार से। पहला है अगर इन लोग बताएगा तो ये कर्म सारे सुख दुख पहले किया हुआ कर्म के अनुसार होता है, ऐसे है तो इन लोग बहुत पाप किया है क्योंकि अभी कठिन दुख तो फसा करता है, बहुत पाप किया है। अगर कोई बताएगा तो ये लोग को सुख दुख सब मिलता है देवताओं की मदद, को ईश्वर का आशीर्वाद, नहीं ईश्वर का ईश्वर मापक बनाना, ईश्वर ने सब सुख दुख देता है, ऐसा है तो ईश्वर ने ये सुख दुख सब बना दिया सबको, ऐसा है तो ये निगंट लोगों को बहुत दुष्ट पापी बहुत खतरनाक देवता ने निगंट लोग को बना दिया। अगर कोई लोग ऐसे बात बताया तो इसीलिए इन लोग को इतना दुख कष्ट तकलीफ मिलता है। अगर कोई लोग बताया तो ये सारे प्राणियों को सुख दुख मिलता है, ये सब कुछ मिलता है अपना दैव मतलब अपना मन से, अपना जो मिलने वाला है अपना मिलने के लिए तैयार वही है, मतलब अपने आप अपने के लिए मिलने के लिए तैयार वही मिला, अपने से अपने से मिला। हाँ जरूर इन लोगों का इन लोग का दैव जन्म बहुत पापी है, इसलिए इन लोग बहुत दुख सहन करते हैं। अगर ये सुख दुख मिलता है कोई विशेष जन्म के कारण है तो इन लोग को पापी जन्म मिला है, नीच जन्म मिला, इसलिए इन लोग को ऐसा होता है। अगर इन लोग कोई बताया तो इन लोग सुख दुख मिलता है इसी जन्म में ही जो किया हुआ उपक्रम से है तो इन लोग पापी उपक्रम कर लिया है, इसीलिए इन लोग दुख बहुत मिलता है। इसी के बाद बताया इन लोग पिछले जो किया हुआ कर्म के अनुसार सुख दुख मिलेगा बताया तो उससे भी इन लोग को डांट मिलता है पहला। दूसरा बताया तो सुख दुख मिलता है
फिर जो पूर्व जो किया हुआ कर्म से नहीं मिलेगा बताया तब उससे भी इन लोगों को डांट मिलता है। ईश्वर ने कर लिया था भी इन लोगों को डांट मिलता है। ईश्वर ने नहीं किया बोल दिया था भी इन लोगों को डांट मिलता है। और जरूर हम लोग को मिलने वाले कुछ संसार कुछ है ऐसे सोचा था इन लोगों को डांट मिलता है। जरूर ये जन्म के कारण होता है ऐसे इन लोगों को नीच जन्म है इसे भी डांट मिलता है। कोई विशेष क्रम से ये सब कुछ होगा तो इन लोगों का विशेष क्रम नीच है इसे भी उन लोगों को डांट मिलता है। इसी प्रकार से ऐसा वाद करने वाले ऐसा दृष्टि वाले निगंट लोगों को कारण सहित जो मैंने पूछा उसी प्रश्न को जवाब नहीं दे पाया। यह भगवान बुद्ध बांते लोग से पूछा भिक्षु उपाक्रम हिंदी है उपाय फल सहित कैसे होता है। पधन वीर्य मतलब प्रधान पधन वीर्य मतलब ये वीर्य मेरा शरीर का मांस खून सूख जाए फिर भी हम ज्ञान प्राप्त करके उठेंगे नहीं तो नहीं उठेंगे। दृढ़ वीर्य वैसा किए थे पहले बनते लोग जंगल में। कोई कोई बनते जी जंगल में जाकर के साधना होता ही नहीं है वेदना उपासना कर सकता है दर्द के बारे में थोड़ा सा मन शांत होता है। बनते जी क्या क्या गया जाकर के पूरा पैर तोड़ के हटा दिया अपना पैर तोड़ के हटा दिया अलग कर दिया फेंक दिया पैर फेंक के उसी दर्द सोच के उसी वेदना उपासना करके ज्ञान प्राप्त किया। और बांधते लोग गार्डन काट काट के साधना करके इधर से अलग होने के साथ ज्ञान भी प्राप्त हो गया ऐसा है। सोतापन में नहीं था जी हम लोग आलसी का राजा है राजा इसी समय हम लोग को दुखी का बात क्या है मेहनत कर ही नहीं सकता मेहनत भी नहीं कर सकता भी नहीं लगता बहुत नया डिजिटल सिस्टम आया उसमें मन फंस जाता है बहुत प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है यार। इसके बाद बताया इधर भंते जी जानबूझ के दुख पीड़ा से कष्ट देने वाले जीवन दुख पीड़ा से कष्ट नहीं देते हैं। धार्मिक से जो मिलता है सुख छोड़ते नहीं है तथा उसी सुख को आसक्त भी नहीं होता है वो इसी प्रकार से जान लेता है। ये दुख मिलने का कारण फिर नहीं बढ़ने के लिए मेहनत करने से विराग आता है। ये दुख मिलने वाला कारण नहीं मिलने के लिए वीर्य करने से उपेक्षा करने के कारण विराग आता है। बहुत गहरी है विराग विराग राग मतलब आसक्त विराग मतलब अनासक्त राग विराग ठीक है। इसका मतलब भांति लोग बताते हैं आप लोग को जो जानबूझ के कोई दुख सहन करने वाला कुछ है तो नहीं करने के लिए भगवान ने बताया है तथा सुख मिलता है धार्मिक सुख मतलब जो पुण्य करने के कारण सुख मिलता है और ध्यान साधना करने का सुख मिलता है सुख को छोड़ता भी नहीं है लेकिन उसी सुख पर आसक्त नहीं होता है बहुत मेहनत करके वीर्य करके रहने के कारण विराग होता है मन आसक्त नहीं होता है। तो
दुख मिलने का कारण दूर करने के लिए ऐसा गहरी मेहनत करने से विराग में आ जाता है, उसी कार्यक्रम में और वीर्य करता है और बहुत बहुत वीर्य करने के कारण वीर्य करके उपेक्षा बढ़ाने के कारण, उपेक्षा मतलब सुख को भी आसक्त नहीं ना दुख को आसक्त, किसी को साटता नहीं उपेक्षा। इसका मतलब उपेक्षा दो प्रकार का है ना, एक उपेक्षा हम लोग को जो अभी सुख भी नहीं दुख भी नहीं उपेक्षा, लौकिक उपेक्षा, लोकोत्तर उपेक्षा वो नहीं, सुख को भी छोड़ दिया, छोड़ दिया, दुख को भी छोड़ दिया, वही उपेक्षा में आता है, उपेक्षा में आके विराग हो जाता है। इसी प्रकार से विराग होगा तो उसी प्रकार से उसका दुख खत्म हो जाता है, दुख नष्ट होता है, उसी प्रकार से दुख खत्म हो जाता है विराग होगा तो। ये ऐसी बात है, कोई स्त्री के बारे में, लड़की के बारे में आसक्त हुआ मन से, उसी के बारे में सोच सोच के रहने वाले, उस लड़की के बारे में दृढ़ इच्छा से अपेक्षा इंतजार करके, एक पुरुष है, वो पुरुष क्या है, एक लड़की के बारे में सोच के रहता है दिन रात, सुबह दिन रात, कहते समय हर समय उसके बारे में सोच सोच के रहता है, पूरा आसक्ति है, गहरी आसक्ति है, पूरा एकदम एक सेकंड नहीं रह सकता उसको अलावा। एक दिन वो इंतजार करते रहता है वो लड़की को, लेकिन उसको दिखाई देता है वो स्त्री दूसरा और कोई लड़का साथ जा रहा है, दूसरा लड़का साथ बैठ के रहता है, दूसरा लड़का साथ प्यार की बात बोलते रहता है, दूसरा लड़का साथ हंसते हंसते एक सारी हिला हुला के इसमें से रहता है, दूसरा लड़का के साथ जोर से हंसते हंसते रहता देख दिखाई देता है। तो इसके बाद भिक्षुओं क्या सोचते हैं, तो वो पुरुष हैं वो उसका क्या गर्लफ्रेंड दूसरा लड़का के साथ ऐसे रहते समय कैसा उसको महसूस शोक रोवाई दुख तकलीफ कैसे मिलता है, सोच के बताए कैसे मिलता है। आप लोग का प्यार करने वाले लोग दूसरा के साथ रहने से आपका गर्लफ्रेंड दूसरा साथ रहने से आप लोग महसूस आएगा कभी बहुत गहरी दुख तकलीफ मिलता है ना। इसके बाद बंत लोग बताए जी भगवान बुद्ध जी, क्योंकि वो आदमी स्त्री को बहुत आसक्त है, बहुत मन है, बहुत प्यारा है, बहुत इच्छा है, बहुत आशा है लड़की के बारे में, इसीलिए उस वो लड़की दूसरा के साथ रहते रहते हंसते हंसते बैठ के ऐसे ऐसे रहने से दुख मिलता है। तो भिक्षु वो आदमी को ऐसे आदमी को मन में ऐसे आ गया तो हम ये लड़की पर सट गया है, लड़की को हम सट गया, लड़की के बारे में हम सोच के रहता है, गहरी इच्छा है लड़की के बारे में, गहरी आशा है, लेकिन ये लड़की दूसरा और किसी के साथ बैठ के रहता है, प्यार की बात बोलता है, हंसता है और जोर से हंसता है, ऐसा देखने का मुझे दुख शोक तकलीफ रोआई सब छूट जाता है, बहुत तकलीफ मिलता है, ऐसे हैं तो हम ये करूंगा क्या है, ये लड़की के बारे में मेरा मन में जो कोई इच्छा है, राग है, प्यार है, वो दूर करना ही अच्छा है। ऐसे सोच करके वो लड़की के बारे में जितना प्यार था, इच्छा था, आसक्त था, सब दूर कर देता है मेहनत करके ये लड़का। दूर करने के बाद और कुछ समय के बाद और ये लड़का को दिखाई देता है वो लड़की, वो दूसरा लड़का के साथ घूमता है, बैठ के रहता है, प्यार की बात बोलता है, जैसा तैसा रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं, उसी समय में भी
वो लड़का को ऐसा बात करने वाले अलग अलग प्रकार से हंसते हंसते रहने वाली लड़की देखने के बाद दुख तकलीफ कष्ट मिलता है क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? छोड़ दिया था। प्यार सब जितना प्यार था वो सारे प्यार त्याग कर दिया, इसीलिए वही सही है। यहाँ भंते जी जानबूझ के जो कोई दुख पी रहा है वो जानबूझ के कोई भी खास सहन नहीं करते हैं। धार्मिक से जो कोई सुख मिलता है वो चोरता भी नहीं है, तथा वो सुख के बारे में आसक्ति भी नहीं होता है। वो बांते जी इसी प्रकार से वो जान लेता है सुख को, जो कोई दुख मिलने वाले कारण है वो कारण हटाने के लिए जितना मेहनत करते उसी मेहनत करने कारण मन में आता है विराग। उसी विराग को दूर करने के लिए ज्यादा मेहनत करने कारण उपेक्षा में आ जाता है, उसी प्रकार से दुख नष्ट होता है। उपेक्षा बढ़ाने से दुख नष्ट होता है। अगर ऐसे सोच लिया तो जिस प्रकार से सुख से रहने के कारण मेरा मन में पाप बढ़ता है पुण्य घटता है, मेरा जीवन दुख में अटक जाता है, ऐसे सोच लिया तो अकुशल नष्ट हो जाता है। कैसे सोचने से? अगर सुख से रहने से मेरा अकुशल पाप बढ़ेगा तो पुण्य घटेगा तो मेरा जीवन दुख में अटकेगा, तो ऐसा सोचने से भी दुख खत्म हो जाता है। बाद में